हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज 28 जुलाई 2008 को बैंक ऑफ बड़ौदा का पीओ का एग्ज़ाम था, जिसमें शिफ्ट वन का जो क्वेश्चन है पेपर है, मैं उससे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आई एम क्वाइट होपफुल कि ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। यू कैन मैच योर आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्लीज़ लेट स्टार्ट। करेंसी स्वैप इन्वॉल्व्स विच रिस्क? तो करेंसी स्वैप में किस तरह का रिस्क रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो आंसर है एक्सचेंज रेट रिस्क। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ आया था कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटेड बाय विच एजेंसी। तो वो कौन सी एजेंसी है जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल बैंक्स के लिए इंप्लीमेंट करती है? तो वो एजेंसी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अकाउंट के ऊपर। सो व्हाट इज़ द फुल टेन्योर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अकाउंट? तो पूरा टेन्योर इसका कितना होता है, हमें ये बताना था। तो आंसर इसका है 8 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधन बैंक के ऊपर। सो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, एंड क्वेश्चन वॉज इन विच पर्टिकुलर ईयर इट वॉज लॉन्च? तो इट वॉज लॉन्च इन 2014। सो आंसर इज 2014। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। विच मिनिस्ट्री हैज़ इशूड ड्राफ्ट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्विंग नॉर्म्स? तो किस मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्विंग नॉर्म्स अभी लॉन्च किए हैं? तो हमें मिनिस्ट्री का नाम बताना था, तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। द मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2018 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश? तो आंसर इज मलेशिया। तो हरिमाओ शक्ति 2018 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अभी कुछ टाइम पहले ही कंडक्ट हुई थी इंडिया और मलेशिया के बीच में। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड $125 मिलियन फॉर इनोवेट इन इंडिया फॉर इंक्लूसिवनेस प्रोजेक्ट? तो इंडिया का जो एक प्रोजेक्ट है इनोवेट इन इंडिया फॉर इंक्लूसिवनेस प्रोजेक्ट, इसके लिए $125 मिलियन किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी ने प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो वो है वर्ल्ड बैंक। आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ओके, ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जबलपुर एंड हिस्टोरिकल सिटी इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड अक्रॉस द विच रिवर? तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में एक हिस्टोरिकल सिटी जो अपनी जबलपुर है, ये किस रिवर के किनारे है? तो रिवर नेम इज नर्मदा। आंसर इज नर्मदा। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो और BBB? तो BBB फुल फॉर्म है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। इसके जो न्यू चेयरमैन है उसका नाम हमें बताना था, तो उनका नाम है श्री भानु प्रताप शर्मा। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वीपो की फुल फॉर्म में P क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके, सो क्वेश्चन एग्जैक्टली वॉज विपो विच इज़ वन ऑफ द 15th स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, वट पी स्टैंड्स फॉर? ओके, तो विपो में वट पी स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, सो पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी। दोस्तों, इस तरह के जो वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबकी फुल फॉर्म और सबके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इसके पक्के हैं। अभी कुछ ही टाइम में SBI का PO भी होने वाला है मेंस का, अभी FCAT है अगस्त के अंदर, इसके बाद नवंबर में आपका CDS का एग्ज़ाम भी है, और UPPCS का क्या नाम प्रीलिम्स भी है 2018 का। इन सभी जगहों पर इस तरह के एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसको प्लीज़ अगेन रिवाइज कर लीजिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस अब मुझे मिलते रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा PO के ऊपर, मैं उसे भी वीडियो बनाता जाऊँगा, और भी FCAT और CDS और जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले, इन सब के प्रिपरेशन क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लेटेस्ट क्वेश्चन जल्द से जल्द उसी दिन आपके पास करूँगा। तो आप इफ़ यू एबल टू सब्सक्राइब माई चैनल, आपको विदाउट डिले इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे सभी वीडियोज़ का। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। CFMS इज़ अ सिस्टम विच इज सेटअप ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय RBI, वट डज सी स्टैंड फॉर इन CFMS? तो CFMS एक सिस्टम है जिसको ऑपरेट और मेंटेन करता है RBI। अब पूछा गया था कि इसमें सी स्टैंड्स फॉर, सी, तो इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम।
सो तो हमारा आंसर होगा सेंट्रलाइज, लेकिन आप इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गोल गुंबज एन हिस्टोरिकल मोनूमेंट बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में है हमें ये बताना था गोल गुंबज, तो वो है आंसर है कर्नाटका, और कर्नाटका के अंदर भी अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो वो है बीजापुर के अंदर। ओके, बीजापुर कैपिटल थी, मोहम्मद आदिल शाह बसाई थी। सॉरी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंकिता रैना इज अ प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स वूमेन्स, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो देखिए स्पोर्ट्स सेक्शन से ये क्वेश्चन था। ओके, तो अंकिता रैना किस स्पोर्ट्स से संबंध रखती हैं, तो आंसर है टेनिस, अंकिता रैना टेनिस खेलती हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लखवाड़ डैम इज इन उत्तराखंड इज बिल्ड ऑन विच रिवर, तो उत्तराखंड के अंदर जो लखवाड़ डैम है वो किस रिवर पर है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इसका आंसर है यमुना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच सिटी ऑफ झारखंड हैज गॉट द फर्स्ट प्लास्टिक पार्क ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अंदर फर्स्ट प्लास्टिक पार्क कहाँ लगाया गया है, ये झारखंड में लगाया गया है, और झारखंड के अंदर भी कहाँ लगाया गया, देवघर के अंदर, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आया है करंट अफेयर से। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट इन सुकन्या समृद्धि योजना, तो मिनिमम एज लिमिट है 0 ईयर, और मैक्सिमम एज लिमिट भी आप देख लीजिए दोस्तों वो है 10 ईयर, तो बाय चांस क्वेश्चन मिनिमम एज लिमिट ना करके मैक्सिमम एज लिमिट में है तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो 0 to 10 ईयर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द श्री इलू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया गया था मणिपुर के अंदर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 29th मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, और 29th मई के लिए लाइक किस चीज़ के लिए फेमस है, सो 29th मई को यूनाइटेड पीस कीपर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों इस तरह के जो डेट्स वाले क्वेश्चन हैं, एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पक्के होते हैं, आप अगर कहेंगे तो मैं इसके लिए वीडियो सेपरेट बना दूंगा, लेकिन आप इन सभी डेट्स को जितने भी फेमस इंपॉर्टेंट हैं सबको याद कर लीजिए, डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में इसमें एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो सब्सिडरी इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो इसरो सब्सिडरी के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, किस सिटी में है, इंडिया के अंदर में ये बताना था, तो वो है बेंगलुरु में। ऑलराइट, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया समिट 2018 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, तो मलेरिया समिट 2018 किस कंट्री में मनाया गया था, तो ये हुआ था यूके में, और यूके के अंदर भी कहाँ हुआ था, लंदन में। ऑलराइट, ये भी करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज हेल्ड द बायलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद हर जापान काउंटर पार्ट इन विच सिटी, तो अभी अभी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे सुषमा स्वराज जी, उन्होंने एक बायलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग यू नो कंडक्ट किया था अपने जापान काउंटर के पास, यानी कि जापान के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके साथ, तो ये किस सिटी में डायलॉग हुआ था हमें ये बताना था, तो इसका आंसर है टोक्यो, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ द जापान। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच एजेंसी रेगुलेट्स द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जितनी भी एजेंसीज हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जो हैंडल्स करती है, इन सभी एजेंसीज की रेगुलेटरी बॉडी क्या है हमें ये बताना था, तो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए सेबी कब स्टैब्लिश किया गया था। ओके, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए सेबी कब स्टैब्लिश किया गया था, फाउंडेशन ईयर क्या था सेबी का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इंडिया की रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन था, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इन रैंकिंग के ऊपर भी होता है, तो बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं जिनके रैंकिंग अगेन हर साल निकलती रहती है, तो आपको करंट रैंकिंग इंडिया की लगभग जितने भी फेमस इंडेक्सेस हैं सबके अंदर पता होना चाहिए। तो अभी इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन न्यू कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स, तो इसके अंदर इंडिया की रैंक है 10। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन इकोनॉमिक टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस द डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इकोनॉमिक से रिलेटेड, कि अगर जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो दैट्स इक्वल टू व्हाट। ओके, तो अगर जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है तो वो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। ऑलराइट,
ये वेरी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था इकोनॉमिक में से. ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आईटी कंपनी हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट कैप. और ये बेसिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा गया था. तो इंडिया के अंदर जो आईटी कंपनीज है इसका लार्जेस्ट मार्केट कैप किस कंपनी का है हमें ये बताना था. तो वो कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. ओके ऑल राइट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी. देखिए यहाँ पर भी इंडिया से रिलेटेड जितनी गवर्नमेंट और यू नो ऑर्गेनाइजेशंस की जो टॉप बॉडीज़ हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स हुई और किस सिटी में है ये सब आपको पता होना चाहिए. तो अभी यहाँ पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उसका पूछा गया है. इसरो का भी पूछा गया था हेडक्वार्टर इसी यू नो अभी कुछ देर अभी थोड़ा सा देर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है. तो ये क्वेश्चन अब रिमोट सेंसिंग सेंटर के ऊपर है. तो ये है बेसिकली हैदराबाद के अंदर. ओके ऑलराइट लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये बेसिकली आयुष्मान भारत जो स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था. आयुष्मान भारत प्रोवाइड द एनुअल हेल्थ कवर अप टू डैश फॉर अ फैमिली. तो जो अमाउंट है कितना हेल्थ कवर प्रोवाइड करता है आयुष्मान भारत. तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली तो ये एक फैमिली को कितना हेल्थ कवर प्रोवाइड करता है. तो ये अमाउंट है 5 लाख. ओके ऑलराइट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. टू विच कंट्री इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स मैक्सिमम गुड्स. तो देखिए गुड्स की बात हो रही है. इंडिया ने अभी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इंडिया से गुड्स के टर्म में किस कंट्री को गया है. तो इसका आंसर है USA और सेकेंड नंबर पे है चाइना. ऑलराइट ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पुष्पनाथ कोट्टायम पिल्लई वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. ये अभी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये न्यूज़ में थे पुष्पनाथ कोट्टायम पिल्लई. तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है क्वेश्चन ये है. तो ये बेसिकली ऑथर है काफ़ी वेल नोन रिनोन ऑथर है मलयालम लैंग्वेज से रिलेटेड. ओके ऑल राइट लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. विच एजेंसी हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपोर्ट कमेटी ऑफ 9 मेंबर टू एग्जामिन अलाउिंग अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज टू डू आ डायरेक्ट इक्विटी लिस्टिंग. तो अभी बेसिकली एक यू नो एजेंसी ने 9 मेंबर की कमेटी कंस्टिट्यूट की है टू एग्जामिन अलाउिंग अनलिस्टेड इंडियन कंपनी टू डू आ डायरेक्ट इक्विटी लिस्टिंग ओवरसीज. तो उन इंडियन कंपनीज की यू नो लाइक एग्जामिन करना है जो कि डायरेक्ट इक्विटी लिस्टिंग ओवरसीज को करते हैं. तो ये बेसिकली एजेंसी है जिसने उन्होंने 9 मेंबर कमेटी बनाई है दैट इज सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने. ओके ऑलराइट ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एमए चिदंबरम स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी. तो बेसिकली एमए चिदंबरम स्टेडियम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है विद इन इंडिया हमें ये बताना था. तो इसका आंसर है चेन्नई. ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. विच कंट्री इज ऑन द टॉप ऑफ द हाइएस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट. तो देखिए रेमिटेंस होता क्या है. देखिए किसी भी कंट्रीज़ के जो यू नो सिटीजन्स होते हैं अगर वो कहीं यू नो बाहर जाकर काम करते हैं लाइक आउटसाइड द कंट्री और वहाँ से जो उनकी इनकम होती है वो जो रेमिटेंस आते हैं वो बेसिकली रेमिटेंस का पार्ट होता है. जैसे इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बाहर जाते हैं या डिफरेंट फील्ड के यू नो लाइक एम्प्लॉयज़ और एक्सपर्ट्स बाहर जाते हैं और वो वहाँ पे अर्निंग करते हैं तो उनकी वजह से जो फ्लो इंडिया के अंदर आ रहा है उसको रेमिटेंस कहा जाता है. तो क्वेश्चन ये है कि वो कंट्री में बताना है जो कि टॉप है इस साल रेमिटेंस रेसिपिएंट्स के अंदर. तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स इंडिया. और इंडिया कुछ सालों से लगातार इस पोजीशन में टॉप पर है और इसके बाद चाइना आता है. ओके ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है हर साल ये ना ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में मुझे दिख रहा है. ऑलराइट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. हु वाज द विनर इन मेंस सिंगल इन मोंटे कार्लो मास्टर 2018 टेनिस टूर्नामेंट. तो देखिए स्पोर्ट्स सेक्शन से अगेन क्वेश्चन है. हर साल जो टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं फेमस उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. तो अभी यह पूछा गया है मोंटे कार्लो मास्टर 2018 में मेंस सिंगल किसने जीता है. तो वो है राफेल नडाल. ऑलराइट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट वाज द CSO's एस्टिमेट ऑफ इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2017 and 18. तो 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के अंदर फोर्थ क्वार्टर के की जो GDP ग्रोथ रेट थी उसका एस्टिमेट CSO ने कितना लगाया है क्वेश्चन ये था. तो उसका एस्टीमेट है 6.5% एंड दिस इज द GDP ग्रोथ रेट एस्टीमेट फॉर फोर्थ क्वार्टर 2017 एंड 18.
Alright, let's move to next question. Question number 35. What is the full form of? Okay, let's move to next question. Question number 35. Full form of WLFT. ये WLFT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वो है बेसिकली होल सेल लॉन्ग टर्म फाइनेंस. ये इकोनॉमिक टर्म है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स उसमें ज़रूर आते हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉकहोम इज़ द कैपिटल ऑफ. सो स्टॉकहोम बेसिकली कैपिटल है किसी कंट्री की और हमें उस कंट्री का नाम बताना था, तो वो कंट्री है स्वीडन. ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स स्पेसिफिकली हेल्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर. तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास बेसिकली यू नो डैश होता है जो कि विच इज कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स. तो ऐसा क्या चीज़ है जो फॉरेन इन्वेस्टर के पास होता है जिसके अंदर सिक्योरिटीज और बाकी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, तो वो है बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द करेंसी अप्रिशिएट देन द डिमांड ऑफ दैट करेंसी विल. तो अगर कोई करेंसी अप्रिशिएट होती है तो उस करेंसी की मार्केट में डिमांड बढ़ती है या घटती है, क्वेश्चन ये था. तो ऑफ कोर्स अगर करेंसी अप्रिशिएट होगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, इट विल आल्सो राइज. ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. दोस्तों देखिए, मेरे पास पूरी तरह क्वेश्चन नहीं था, लाइक क्वेश्चन सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल से रिलेटेड था, बट मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है. आई विल अप्रिशिएट कि आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं, आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर. नेक्स्ट 14 क्वेश्चन भी मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल पाया है, बट क्वेश्चन कुछ एंजल इन्वेस्टर से रिलेटेड था, एंड आई थिंक एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है इन्वेस्टमेंट की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था. तो अगर तो क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 10 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट. बट इफ़ द क्वेश्चन इज समथिंग रिलेटेड टू एल्स यू नो, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, कमेंट मुझे लिख के बताइएगा द राइट क्वेश्चन क्या है. तो दोस्तों, सो फार आई एम एबल टू गेट दिस मेनी क्वेश्चन, द 40 क्वेश्चन. आई विल ट्राई टू गेट सम मोर क्वेश्चन, और जैसे ही मुझे और क्वेश्चन मिलते हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा. आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कुछ भी वीडियो बनाता हूँ न्यू, वो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए. ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.